बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रबिशराहली सदरी वयस्सिरली अम्री वहलुल उकदतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। टुडेज़ लेक्चर, कंपेयर एंड कंट्रास्ट बेकन एंड स्विफ्ट प्रोज स्टाइल। स्विफ्ट वर्सेस बेकन प्रोज स्टाइल में देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्विफ्ट प्रोज स्टाइल को देख लेते हैं। उसमें हम क्या क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने, उसका डायरेक्ट नैरेटिव स्टाइल था, सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज थी। ये बेटा आउटलाइंस बता रही हूँ जो हमने दोनों प्रो स्टाइल्स जो है यहाँ पर हम कंपेयर करने जा रहे हैं। फिर हमने देखा स्विफ्ट का जो प्रो स्टाइल था उसमें राइट वर्ड्स ऑन राइट प्लेस थे, मोरालिटी उसने शो की थी, इमेजिनेशन, फिर सटायर, इन्वेक्टिव एंड डायमिनेशन। उसने सटायर, इन्वेक्टिव यानी कि इंसान को उसकी ज़ात से नीचे ले आया, इन्वेक्टिव हो गया और स्पंजेंट सटायर हो गई, और डायमिनेशन यानी कि इंसान को उसने छोटा करके दिखाया। प्रिसाइजनेस यानी कि बहुत प्रिसाइज वे में, कॉम्पैक्ट वे में उसने बयान किया। ह्यूमर था उसके अंदर, ट्रुथ, यहाँ पे नो ट्रुथ तो ना इसको करें, इसको आप करें, ट्रुथ अलोंग विद एग्जेजरेशन, ट्रुथ एंड एग्जेजरेशन इसको हम कर देते हैं, ठीक है, ट्रुथ एंड एग्जेजरेशन। फिर स्टोरी स्टाइल था उसका यानी कि नैरेटिव स्टाइल था। स्टोरी स्टाइल यहाँ पे हम नैरेटिव टेक्निक को भी कहते हैं, उसने नैरेटिव टेक्निक को फॉलो किया था। अच्छा, उसके बाद है कमेंट्री एंड मोरल जजमेंट। स्विफ्ट से साइंटिफिक रिसर्चेस आर यूजलेस, ठीक है। कल मैंने क्वेश्चन दिया था टेस्ट में कि यूजलेसनेस ऑफ मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ ना, तो सारे स्टूडेंट से पता नहीं सटायर छापा मारा हुआ था। कल मैं टेस्ट चेक कर रही थी स्टूडेंट्स की, तो बेटा ऐसे नहीं करना। अगर आपसे मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ के बारे में पूछा गया है तो वो बताएं भाई उस स्टोरी के अंदर क्या मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ उसने शो की थी, ठीक है। स्विफ्ट से साइंटिस्ट रिसर्चर्स आर यूजलेस। स्विफ्ट एंड स्टार्ट हेटिंग हिज फैमिली एंड चिल्ड्रन फ्री फ्रॉम अननेसेसरी एम्बेलिशमेंट्स, ठीक है। उसकी जो नैरेटिव सटायर था वो अननेसेसरी एम्बेलिशमेंट से बहुत दूर था। ऑगस्टन एज, ठीक है, ऑगस्टन एज का मैंने आपको बताया था, इसी को एज ऑफ एनलाइटमेंट कहते हैं। क्वीन एलिजाबेथ की ये एज थी और इसी को ऑगस्टन एज कहा जाता है, जिसके अंदर कोर्ट लाइफ दिखाई गई थी, ठीक है, और कोर्ट के अंदर की जो डिस्प्यूट्स थे, उनके पॉलिटिक्स थी, ये सारी चीज़ें उसके अंदर दिखाई गई थी। सेम इज द ऑगस्टन एज आपको रेप ऑफ द लॉक में भी दिखाई जाती है। बॉब और जॉनथन स्विफ्ट, अगर ऑगस्टन एज का नाम आता है तो बॉब और जॉनथन स्विफ्ट का भी नाम साथ आता है। उसके बाद है बेकन प्रोज स्टाइल। इसमें देखें स्ट्राइकिंग स्टेटमेंट्स हैं, एफोरिस्टिक स्टाइल, ठीक है, वो एफोरिस्टिक स्टाइल में लिखता है, यानी कि कोटेबल कोर्ट्स में लिखता है, इन्वर्टेड कॉमास में लिखता है, डिस्पर्स मेडिटेशन है। फिर उसके बाद उसकी वर्ल्डली विजडम है, इमेजरी एंड फिगरेटिव लैंग्वेज स्टाइल ऑफ लैंग्वेज है, एपिग्रामेटिक टर्सनेस एंड एफोरिस्टिक स्टाइल, प्रिसाइजनेस है, नो टच ऑफ ह्यूमर, एंड देन flavor of truth and deep inside. Bacon writes in the form of essays, antithesis style tha uska. Bacon is in favor of philosophical ideas. Bacon talks about wife, children and parents love, illusions and renaissance ke era se wo taluq rakhta tha. Ab yahan pe dekhte hain beta, ye to ho gayi outline. In case agar aapka kabhi bhi koi aisa question aa jata hai jo ki टेक्निकल आ जाता है और आपको उसका आंसर नहीं आता, द वे टू मेक आउटलाइन इज जस्ट लाइक दिस। आप एक दफा ना आउटलाइन बना लें, ठीक है, और जब भी आप टेस्ट दें आप मुझे आउटलाइन बना के टेस्ट दिया करें, ताकि आपको आदत हो जाए आउटलाइन बना के पेपर करने का, और उस दिन आपके बहुत ज्यादा टाइम बचेगा अगर आपकी आउटलाइन बनी हुई होगी, ठीक है। पेपर के अंदर आपने आउटलाइन, आंसर शीट पे आपने आउटलाइन नहीं बनानी, ठीक है, मुझे आउटलाइन बना के देनी है, ताकि आप लोगों को, आउटलाइन बनाने का तरीका ये भी नहीं होता कि आप क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखेंगे, आपने आंसर शीट की वो जो सेकंड लास्ट लीफ होती है ना उसके ऊपर पेंसिल के साथ में आउटलाइन बना देती थी पेपर की, कि मुझे पेपर इस तरीके से सॉल्व करना और ये आउटलाइन। अब ये जो आउटलाइन बनी हुई है ना, अगर आप इसको कंपेयर एंड कंट्रास्ट में एक एक पैराग्राफ भी लिखें तो आपका ये बहुत लंबा आंसर चला जाएगा। तो आपने 1000 वर्ड्स के आसपास लिखना है, ताकि विद इन द टाइम आप लोगों का पेपर जो है वो सॉल्व हो सके, ठीक है। यहाँ पे देखें स्विफ्ट यूजेस डायरेक्ट नैरेटिव स्टाइल।
सबसे पहले तो बेटा इसके अंदर इंट्रोडक्शन जो है वो मिसिंग है. आप यहाँ पे लिखेंगे कि बेकन एंड स्विफ्ट बोथ आर द प्रोज राइटर्स ऑफ द ऑफ देयर एज. स्विफ्ट बिलोंग्स टू द एज ऑफ ऑगस्टन ऑगस्टन एज, वेयर एज बेकन बिलोंग्स टू द एज ऑफ रेनेसेंस. ठीक है, रेनेसेंस से बेकन बिलोंग करता था और जोनाथन स्विफ्ट कौन सी एज से बिलोंग करता था, वो ऑगस्टन एज से बिलोंग करता था. अब जो है बोथ दोनों ने ही पॉलिटिकल सिनेरियो के बैकग्राउंड में लिखा. ठीक है, स्विफ्ट ने एक पंजन सटायर के तौर पे जो है गुलिवर्स ट्रैवल्स को लिखा था, जबकि बेकन ने जो है वो उसका एक एफोरिस्टिक स्टाइल था और उसने इस तरीके से उस एफोरिस्टिक स्टाइल को फॉलो किया था. स्विफ्ट का नैरेटिव स्टाइल था जबकि बेकन का एफोरिस्टिक स्टाइल था. ठीक है, तो इस तरीके से आप एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखेंगे, उसके बाद आप उसके स्टाइल्स के ऊपर आएंगे और कंपेयर एंड कंट्रास्ट में आएंगे. यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, स्विफ्ट यूज़ डायरेक्ट नैरेटिव स्टाइल, ही इज एन एलोक्वेंट कमेंटेटर, ही हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन हिज नरेशन. गुलिवर्स ट्रैवल्स इज द बेस्ट एग्जांपल इन विच ही नरेट्स ऑल हिज वॉयजेस, बट वी थिंक दैट स्विफ्ट इज स्पीकिंग. गुलिवर इज द माउथ पीस ऑफ द स्विफ्ट. ठीक है, गुलिवर बेसिकली क्या था, वो माउथ पीस था स्विफ्ट का. अब बेकन जो था वो अगर स्विफ्ट ने नैरेटिव स्टाइल से लिखा था तो बेकन ने उसके अपने एसेज जो हैं वो स्ट्राइकिंग स्टेटमेंट्स और एफोरिस्टिक स्टाइल में लिखे थे. ठीक है, एफोरिस्टिक एंड स्ट्राइकिंग. अब यहाँ पे हम इसको एक चीज दे देते हैं कि दोनों का जो स्टाइल था, यहाँ पे हम लिखेंगे कि नैरेटिव वर्सेस एफोरिस्टिक स्टाइल. ठीक है, एफोरिस्टिक स्टाइल किसका था, बेकन का था, और नैरेटिव स्टाइल किसका था, स्विफ्ट का था. तो स्विफ्ट का स्टाइल जो था वो नैरेटिव था, वेयर एज बेकन स्टाइल वॉज एफोरिस्टिक. बेकन स्टार्ट इज एसेज विद एफोरिस्टिक एंड स्टेटमेंट, इट इज द मेन क्वालिटी ऑफ द मॉडर्न प्रोज. और उसको जो है मॉडर्न प्रोज, फादर ऑफ द मॉडर्न प्रोज भी कहा जाता था. और ये जो है ग्रेट क्वालिटी थी. उसने किस तरीके से उसका, फॉर एग्जाम्पल उसका एफोरिस्टिक स्टाइल क्या था, अ मैन इन ग्रेट प्लेस आर थ्राइस सर्वेंट्स. उसने बड़े एफोरिस्टिक वे में कहा था कि मैन इन ग्रेट प्लेस आर थ्राइस सर्वेंट्स. स्विफ्ट यूज सिंपल एंड क्लीन लैंग्वेज, जबकि स्विफ्ट जो है सिंपल और क्लीन लैंग्वेज यूज करता था. जैसे याहू हु आर अनटीचेबल ब्रूट्स, कनिंग ग्लटनस and disposed to great mischief. Hyenas are free from lust and greed. और ये बिल्कुल उसने simple way में लिखा था. Bacon prose is aphoristic style, which means it easy to understand. There is a lesson in his sentences and also to the point. He has art of making huge statement. A man who studies revenge keep his wounds green. Crafty man condemns study. Simple man admires them. And wise man uses them. Man नहीं है बेटा, that is the man. Crafty man condemns studies. Simple man admire them. And wise man जो है वो उसको use करते थे. Wise man जो है उसको use करते. उसके बाद जो है, Swift puts right words in right place. Like in Gulliver's Travels, he attacks the political institutions and politicians of that time. The phrase one of king's cushions refer to one of the king george mistresses. His work is cohesive and there is logical flow of sentences. Uska jo work tha wo cohesive tha aur ek logical flow tha of sentences ka. On the other hand, Bacon essays are, as he himself pronounced them, as dispersed meditation because they are in the manner of random thoughts scattered on the piece of paper. Jabki dusri taraf agar hum Bacon ko dekhein तो वो डिस्पर्स मेडिटेशन थे. ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कहा कि स्विफ्ट का जो जो स्टाइल था वो टू द पॉइंट था. वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिशियंस ऑफ दैट टाइम को उसने अटैक किया था, जबकि बेकन जो था वो स्कैटर्ड थॉट्स के ऊपर, रैंडम थॉट्स के ऊपर लिखा करता था. क्या वो कहते हैं कि क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज, सिंपल मैन एडमायर देम एंड वाइज देम यूज देम. स्विफ्ट एम्स टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ मैनकाइंड मोरालिटी. As he himself says, I write for the noblest end to inform and instruct mankind. ठीक है, स्विफ्ट का एम क्या था कि बींग अ मॉरलिस्ट वो इंस्ट्रक्ट करना चाहता था मैनकाइंड को, लेकिन बेकन ने जो है इंसान को
जो अपने एसेज हैं उसने वर्ल्डली विजडम सिखाई थी। बेकन ने जो स्टाइल फॉलो किया था वो क्या था, ई फॉलोज मैकियावेलियन, ठीक है, मैकियावेलियन को उसने जो है वो फॉलो किया था, और उसने क्या फॉलो किया था, उसने वर्ल्डली स्टाइल को फॉलो किया था, ठीक है, उसने मैकियावेलियन को। मैकियावेलियन को और उसने किसको शो किया था, उसने वर्ल्डली विजडम को शो किया था, फॉलो किया था, यानी कि उसने ऐसे वेज बताए थे इंसान को कि वो किस तरीके से हाई प्लेस पे जा सकता है। बेकन इज अ वर्ल्डली मैन, ही टेल्स अबाउट द वर्ल्डली बेनिफिट ऑफ मैन, ठीक है, उसने इंसान को वर्ल्डली बेनिफिट्स के बारे में बताया था। ही कॉम्प्रोमाइजेस मोरल्स, बहुत सारी उसमें मोरल्स एंड मोरालिटी, ठीक है, उसने मोरल्स एंड मोरालिटी पे बहुत जगह पे कॉम्प्रोमाइज किया था। ही इज अ मोरलिस्ट कम वर्ल्डली वाइज मैन, ही आल्सो सेज आई हैव टेकन ऑल नॉलेज टू बी माय प्रोविंस, ठीक है, वो ये उसकी जो स्कैटर्ड डिस्पर्स मेडिटेशंस थी ना उसमें, बेटा ये आप यहाँ से ना इसको उठा के हम इसको पीछे ले जाते हैं, ठीक है, ही आल्सो सेज आई हैव ऑल नॉलेज टू माय प्रोविंस, बेटा इसको जो है ना इसकी आप पीछे जो हमने डिस्पर्स मेडिटेशन के बारे में बात की थी ना इसको वहां पे आप लिख लीजिएगा, ठीक है, ये यहाँ पे इसकी जगह मैं इसको ऐड कर रही हूँ। अच्छा जी, उसके बाद देखते हैं उसने फिर आगे क्या कहा। स्विफ्ट इमेजिनेशन इज अ स्ट्रॉन्ग लाइक गुलिवर्स ट्रैवल, हिज इमेजिनरी एडवेंचरस लैंड्स आर क्वाइट सक्सेसफुल इन फॉर्मिंग अ विविड पिक्चर इन आवर माइंड्स, उसकी एक इमेजिनरी वर्ल्ड थी गुलिवर्स ट्रैवल्स के अंदर। सिमिलरली बेकन इमेजिनरी एंड फिगरेटिव लैंग्वेज प्रूव्स टू बी हिज रेनेसेंस डे, ठीक है, जब अगर गुलिवर्स ट्रैवल्स जो है उसके अंदर उसने जो है अपनी स्ट्रॉन्ग इमेजिनरी एडवेंचरस लैंड्स जो है वो शो की थी, तो गुलिवर्स ने बेकन ने रेनेसेंस को शो किया था। ही इज एक्सपर्ट इन यूज ऑफ सिमिलीज एंड मेटाफर्स, सस्पिशंस अमंग थॉट्स आर लाइक बैट अमंग बर्ड्स। स्विफ्ट प्रोज इज फेमस फॉर इट्स करोसिव सटायर, इनवेक्टिव एंड डोमिनेशन, द रिमार्क्स ऑफ द किंग ऑफ ब्रॉडिंग नेक कैन बी टेकन एज एग्जांपल, आई कैन नॉट बट कंक्लूड द बल्क ऑफ योर नेटिव टू बी द मोस्ट परनीशियस वर्मन अपॉन द अर्थ, ठीक है, उसने यही कहा था ना कि मैं कंक्लूड तो नहीं कर सकता लेकिन तुम्हारे बर्न ऑफ नेटिव जो है वो परनीशियस वर्मन आर क्रॉलिंग अपॉन द अर्थ। बेकन डज नॉट यूज द स्टाइल ऑफ आयरनी, सटायर और पैरोडी, बट ही इज फेमस फॉर हिज एपिग्रामेटिक टर्स एंड एफोरिस्टिक स्टाइल, देयर इज अ ह्यूमर इन स्विफ्ट प्रोज, हिज ह्यूमर इज मोस्टली साइनिकल अनस्माइलिंग, ठीक है, उसमें भी ह्यूमर था लेकिन वो साइनिकल और अनस्माइलिंग था। एज डेविड सेज गुलिवर्स ट्रैवल्स इज प्राइमरली अ थिंग ऑफ अम्यूजमेंट एंड कॉमेडी, उसने कहा था डेविड्स ने कहा सॉरी एज डेविड सेज गुलिवर्स ट्रैवल्स जो है वो अम्यूजमेंट और कॉमेडी की एक जिंदा मिसाल है। देयर इज नो इवन द स्लाइटेस्ट टच ऑफ ह्यूमन इन बेकन एसेज, बट स्टिल वन गेट्स अम्यूज्ड ऑन रीडिंग देम। अब बेकन एसेस के अंदर कोई स्लाइटेस्ट टच तो नहीं है ह्यूमर का, लेकिन एक इंसान जब उसको पढ़ता है तो वो अम्यूज होता है। हिज पिथी एंड कंटेंट स्टाइल मेक देम सो मच इंटरेस्टिंग, लाइक द वेज टू एनरिच आर मेनी एंड मोस्ट ऑफ देम आर फाउल, कि उनको एनरिच करने के वेज तो बहुत हैं लेकिन बहुत सारे उसमें फाउल हैं। देयर इज नो ट्रूथ इन स्विफ्ट प्रोज स्टाइल, बट ऑल हिज वर्क्स इन गुलिवर्स ट्रैवल इज बेस्ड ऑन हिज इमेजिनेशन ओनली अलाइक, ठीक है, उसके अंदर वो कहानियां जो थी ना वो फिक्टिशियस थी, ठीक है, ट्रुथ नो ट्रुथ थी, यानी कि वो क्योंकि नैरेटिव स्टाइल में लिखा था तो उसके अंदर कोई ट्रुथ मतलब ट्रुथ बेस्ड स्टोरीज नहीं थी, दोज वर द फिक्टिशियस उसका प्रो स्टाइल था, नैरेटिव प्रो स्टाइल था, लेकिन वो सारी की सारी बेस्ड थी उसकी इमेजिनरी वर्ल्ड के ऊपर, वो उसकी इमेजिनेशन के ऊपर। देयर हैंड्स वर इंक्लाइंड आइदर टू द राइट और टू द लेफ्ट, one of their eyes turned inwards and other directly up to zenith. Because of aphoristic style of Bacon, most of sayings are considered as quotations of truth. One can find a flavor of truth and deep insight in these small and simple sentences like the greatest pleasure is the realization of truth,
Also, there's a truth in Bacon's statements like, for our life is God, but shaped from man. Swift writes in the former story, the story Four Voyages progresses from the voyage to voyage. In that, there are different modes of satire. He tells as in Gulliver's Travels, the Gulliver's loves traveling. Or as in the, he tells in Gulliver's Travels, Gulliver's As in Gulliver's Travels, कि Gulliver's जो है वो traveling से मोहब्बत करता था. On the other hand, Bacon's style is different. He writes in the form of essays. His style proves English language can be used to express the complexity of thought in clear sentences. Bacon का जो style था वो different था as compared to Swift. और उसके style ने ये सोचने पे मजबूर कर दिया था कि English language भी इस तरीके के clear sentences में use हो सकती है. Throughout the voyages, Swift also narrates the story. But also comments on things and events. His strong and worthy criticism takes him on the position of moral judgment. Uski yehi strong aur worthy criticism thi jo ki uska moral judgment tak le jati hai. The Bacon style is antithetical. He writes in balanced form. Firstly, he claims something, then he tells negative aspect to show thesis and antithesis. He discusses and then he will conclude, like in the essay of studies, he uses threefold balance. Essays of studies के अंदर उसने threefold balance use किया था, such that studies serve for the light, for ornament and ability. So it says that scientific researches and new theories are useless. He says that they are useless. He mocks at the diverted intellect, scientists, academies, planners and all these who precede theories, and they are practically nil. Bacon is in favor of philosophical researches, for our historical point of view, Bacon emphasis on experiment was of real importance for the subsequent British scientists. Bacon जो था वो in favor था philosophical researches पे, और historical point of view से देखा जाए तो वो experiments पे emphasis करता था, was of real importance for subsequent British scientists. Bacon was one of the first thinker to accept and popularize the idea of progress. In his opinion, there was a need for an effective appraisal of man's achievement. उसके बाद Swift as in the last voyage. Swift in the last voyage tells Gulliver start hating his wife and children and start spending several hours with horses. He develops so much hatred and disgust for human beings. On the other side, Bacon tells that wife and children are blessing of life of God. ठीक है, उसने कहा था कि Bacon ने कहा था कि wife और children जो है वो blessings हैं. As he himself says, wives, our young men, mistresses, companion to middle ages, and old men, nurses. So it work is from quotes and maxims. There is no addition of proverbs in his prose. ठीक है, वो quotes और maxims में बात करता था. His work is lack of such embellishment. Bacon uses allusions like Latin words, quotes from other mythology, and he uses biblical quotes in his prose. Also, the analogies for also analogies from astronomy and philosophy. और उसने जो है analogies use की astronomy और philosophy. ठीक है, ये बेटा और end में बेटा इसका conclusion add कर लीजिएगा. इस assignment के अंदर ना conclusion और जो introduction है वो थोड़ा सा missing है. ये बेटा आज आप लोगों की assignment है, आप लोगों ने करनी है. इसी को थोड़ा सा मजीद अच्छा करके लिख लीजिएगा. कोशिश की थी इसको लिखने की, तो सिर्फ इसके अंदर कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन आप लोगों ने ऐड करना है. बाकी चीज़ें अगर आपको कुछ इसके अंदर कमी बेशी लगती है तो वो आप अपनी असाइनमेंट बना के आज सबमिट करवा दीजिएगा. यहाँ तक बेटा किसी का कोई क्वेश्चन, एनीथिंग जो कि आपको बेकन का क्लियर ना हुआ, क्योंकि ब्रेकन और गुलिवर्स का आज लास्ट आप लोगों का डे है. यहाँ तक मुझे बताइए, खुल के बताइए, आज मैं किसी को नहीं डांटूंगी. ठीक है, मुझे आराम से बताइए कि बेटा यहाँ तक अब आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं. आज मुझे अपनी प्रॉब्लम्स लिखवा दें सारे.